और वट गर्ज वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल एंड भाई साहब रियाल मडर ने एथलेटिक को, को कल गाजा भाई तोड़ा अ गेम टू बॉनेस्ट मतलब, आप इसको गेम ऑफ द सीजन कह सकते हो एंड वी आर नॉट इवन थ्रू जनवरी मजा आ गया भाई बेहतरीन गेम था फाइव थ्री की बनती यार मतलब यार एक बोगी टीम बन जाती है यार रियाल मड्रिड के लिए एट टाइम्स वैसे उल्टा अगर बोले तो वो ज्यादा बेहतर है मतलब रियाल मडर अ बोगी टीम फॉर एथलेटिक ओ बट पिछले फिक्चर की अगर बात किया जाए

करने से लेकर आपने रूडिगर को हंड्रेड एंड सिक्स मिनट पे स्प्रिंट मारते देखा आपने ब्रहिम दिया आप बेसिकली इट वॉज अ चेस मैच सो बेसिकली इट वॉज की मेरा मूव फिर तेरा मूव क्योंकि गेम अगर आप फॉलो किए होगा अच्छे से तो आप देख रहे हो ना एक पैच ऑफ टाइम है जहां पर मडरिड डोमिनेट कर रही है दे आर रनिंग दे आर कंडक्टिंग द प्ले मडर पीछे डिफेंड कर रही है डीप और नॉट वेरी इफेक्टिवली मडर

क्रिटिसिज्म कि भाई रुडिगर बैक फोर में नहीं खेल सकता ही इज ओनली कैपेबल टू प्ले हिस फुटबॉल जब वो लेफ्ट साइड सेंटर बैक खेलता है इन अ बैक थ्री एंड भाई रुडिगर की परफॉर्मेंस लेटली जो मैड्रिड के लिए आ रही है भाई दिस विल ब्रेक ऑल शैकल्स एंड ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स एट रियल मैड्रिड एंड प्रोबली इन द लीग एज़ वेल तो अब यहाँ पे रुडिगर के लिए भाई प्रॉप्स हैं आज एक थोड़ा सा सरप्राइज मुझे लगा कि भाई फ्रान गार्सिया फ्रस नहीं किया जूड बेलिंगम विनीशियस एंड रोड्रिगो द सरप्राइजिंग थिंग वाज मेरे लिए कि भाई क्या सोचा होगा कार्लन चलोटी जिसकी वजह से उसने आज मॉडरिज को स्टार्ट दी एंड क्रूज को उसने बेंच पे रखा मतलब इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू थिंक अबाउट कि भाई दोनों के प्रो, प्लेयर प्रोफाइल में काफी बड़ा डिफरेंस है यू आर आस्किंग मॉडरिज टू प्ले द क्रूज रोल एंड ही एंडली बेहतरीन भाई मतलब मैंने क्रूज को मिस नहीं किया पूरे मैच में अंटिल दी वेरी लेट ऑफ द गेम जहां पे यू नो ऐसा लगा कि भाई थक तो पे आप चेंज कर सकते हो एंड गेम नीडेड क्रूज कंट्रोल एंड तक एथलेटिको मड्रिड की बात है तो भाई बैक थ्री में में और खेल खेल रहे रहे थे एंड मिडफील्ड आज एक थोड़ा सा थोड़ा सा छोटा चेंज था हैं अब हम नॉट वेरी मच सरप्राइज जब साउल खेलते हैं कि अगेंस्ट उन्होंने बट ठीक है

नीशियस जूड बेलिंग मेडी वुड कंबाइन मॉड्रिज भी वहां पे ज्वाइन कर लेते हैं एंड रोड्रिगो भी ओवरलोड दिस पर्टिकुलर साइड जिसकी वजह से उनको मिलती हैं हमने देखा आज गेम में ना टाइम एट टाइम दोनों ही टीम को काफी ज्यादा स्पेस मिल रहे थे एथलेटिको मंड्रिड को भी स्पेस मिल रहे थे और भाई रियाल मड्रिड को भी स्पेस मिल रहे थे तो हमने गेम में एक चीज ऑब्जर्व की गेम अगेंस्ट अटल फोर्स इन रियाल मड्रिड मतलब यू कैन नॉट गो ऑन एंड से मड्रिड खराब खेल रही है

स्कोर टीम्स भाई पूजती हैं क्यों भाई मार्टिनेली इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आर्सल के लिए क्यों राशव इंपॉर्टेंट है क्यों ई टी को खिलाया जाता है बिकॉज उनकी टीम में टेक ऑन करने के लिए कोई और प्लेयर ही नहीं ही इज द ओनली गाय हु कैन डू दोजेक ऑन शांत तो नहीं, नहीं करेगा भाई सो दैट इज द रीजन एंड यहाँ पे विनीशियस इवन दो बंदे शायद इतना गोल नहीं मार रहा है पीपल आर कि भाई विनीशियस का अच्छा सीजन नहीं जा रहा है बट एवरी सिंगल गेम ही बिकम्स द डिफरेंस मेकर एंड वो थर्ड गोल जो था जिसमें हमने कारवाहाल को गोल स्कोर करते देखा मतलब बेहतरीन था और जिस हिसाब से फिर एथलेटिको मोडरेट गेम में आए मतलब इट वाज लाइक मैं कह रहा हूँ चेस गेम था

कंधा लगा मोडरिज गिरे उसने भाई एक टच और लिया नाचो फैले एंड भाई राइट फुट से उसने जो फिनिश किया ना कैपा के अगेंस्ट मतलब बेहतरीन बेहतरीन गोल मारा आज यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट गोल्स जो मैंने आज देखा है वो ग्रीजमान का गोल था टू वन जीत रहे थे उन्होंने फिर क्या किया थ्री थ्री टू कर दिया अब भाई एट्टी फिफ्थ मिनट चल रहा है यहां पे क्लच मोमेंट आ सकता है मडरेट क्लच ही तो होगी बाबा तो मडरेट क्लच हुई मिनट पे उन्होंने इक्वलाइजर मारा और गेम को उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में भेजा ना थ्री थ्री होने के बाद इट वॉज ऑल अबाउट कि कौन सी टीम गोल मारेगी अब यहां पर आ गया मोमेंटम रियाल मडरेट के पास बेसिकली गेम में चेंजेस हुए ना जब तो वहीं पे गेम बदला क्रूज पिच पे आते हैं और काल चलौटी ने दो ऐसे सब्सिट्यूशन किए जिनको मैंने प्रिडिक किया था लाइव स्ट्रीम में कि ये दो डेफिनेट सब्सिट्यूशन होंगे ब्रहीम दयाल

है ना तो उसकी अटैकिंग सेंस थोड़ी सी से डिक्रीज होती बट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस टीम कोई भी प्लेयर अपनी पे ना इंटैक्ट नहीं रहता है एक चीज मुझे मैंने नोटिस की कि रियाल प्लेयर को ना फ्रीडम है खेलने का अपार्ट फ्रॉम ऑफ चुआमनी बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट नहीं करेंगे क्रूज आए चुआमनी को थोड़ा सा फ्रीडम मिला चोनी ऊपर चढ़ रहा है फेदी वर्दे को आउट से कि ही हैज़ गॉट लॉट ऑफ फ्रीडम बाकी इनके जो दो फुल हैं इनको आउट से फ्रीडम है बट इनका जॉब डिफरेंट है वो अटैकिंग कारम्बारैक बनेंगे फरलान सेंसिबल you know, देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे अटैक कर सकते हैं तो करेंगे नहीं तो विल बी बैक ट्राइंग टू डिफेंड कामोविंग के साथ सीन क्या होता है ना कि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कामोविंग क्या करेगा ही गेट्स इन टू द मिड फील्ड एंड सुप्रियोटी क्रिएट होती है उसके मिड फील्ड में होने से एंड वन ही प्लेस क्लोज टू जूड ही कम्स इन साइड एंड रॉड्रिगो के साथ कनेक्ट करता है तो बाबा गेम वहीं खत्म होता है तो आई बिलीव कि दिस इज वॉट इन द गेम एंड जैसे उन्होंने अपना वो फोर्थ गोल मारा कारवाहाल का जो चेस कंट्रोल था उसके बाद से उसका क्रॉस था उसके बाद से जो भाई होसलू का हेडर आई थिंक वो ओन गोल था ऑब्वियसली बट भाई वो जो पूरा गोल बना है ना जिस हिसाब से हर एक प्लेयर ने हर एक एलिमेंट को अपने सही से अपनाया सही एग्जीक्यूट किया ब्रो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लच क्लच इज नॉट अबाउट जस्ट स्कोरिंग अ लास्ट मिनट फिनिश या एक वॉलिंग मार देना क्लच इज अबाउट एवरी सिंगल पास एवरी सिंगल मूवमेंट दैट यू एग्जीक्यूट एंड दैट लीड्स अप टू द गोल एंड दैट वॉज लाइक ए पिक फॉर रियाल मर्डर तो बाबा यहाँ पे आ, थोड़ा सा बुरा लगा मुझे ग्रेजमान के लिए बाई वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिस्ट टूडे बट कम ऑन मैन कारवाह हाल का जो गेम था एक गोल दो असिस्ट पूफ मैन He was definitely the man of the match for me आज के मैच में पीपल विल टॉक about फेदी वाल वर दिस गेम आ विल टॉक अबाउट डिम डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है मैं ब्रहीम दियाज का भी नाम लेना चाहूँगा ही वॉज द डिफरेंशियल अपटॉप मतलब आई कॉन्ट बिगिन टू टेल यू कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुका है मॉडिट के लिए एंड मुझे लगता है कानून चलोटी को बहुत बड़ा सिरदर्द होता होगा कि हरामको मैं इसको कैसे और कब खिलाऊ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट नेक्स्ट मैच में आई वुड नॉट भी सरप्राइज अगर ब्रहीम दियाज स्टार्ट करें

बंदे को डबल येलो कार्ड मिला जिसकी वजह से उसको रेड कार्ड मिल गया हराम को बट कम ऑन ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे वन पॉइंट फोर फाइव एक्स जी इलेवन शॉर्ट्स ऑन फाइव ऑन टारगेट जो अटैकिंग फिलॉसफी है ना गैस परिनी की भाई इसका तो मैं, मैं फैन बन जाता हूँ मैं टू बी वेरी ऑनस्ट एट टाइम्स एंड कूप मीनर्स अगेन पीपल टेल कि भाई कूप मिनर्स वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग डी एम से मैं कहता हूँ भाई कुप मीनस लॉन्ग टाइम हो गया भाई वो डीएम नहीं बचा अब ही प्लेज इन दैट नंबर टेन रोल वो वो बेसिकली वो गोल मारता है वो असिस्ट करता है पर मैच में अतलानता के लिए ही इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर देम लेटली एंड यहाँ पे मिलान के लिए थोड़ा खराब लग रहा है आफ्टर दैट गोल ऑफ लिया और कुड नॉट ग्रैप द गेम इन हैंड्स और भाई दे लेट गो ऑफ द गेम होम पे आई एक्सपेक्टेड देम टू डू बेटर तो अतलानता यहाँ पे क्वालिफाई कर चुकी है फॉर द सेमीफाइनल ऑफ द कोपा कोपाटालिया वो खेलेंगे फोनटीना के साथ हमने

अब ये गेम जब होता है ना तो सीन क्या होता है कि भाई जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने छुट्टी कर देते हैं हाफ डे दे कर देते हैं बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू बी फोकस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर गेम अब इस मैच में भी अराउंड तीन रेड कार्ड्स मिले थे बिकॉज लाजियो डिफीटेड रोमा पैदर उदरों सबको रेड कार्ड मिला द तो सागनी का सोल गोल वॉज जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द विन ऑफ लाजियो आप अब यहाँ पे देखोगे अगर स्टार्ट पे तो वन पॉइंट सिक्स सेवन एक्स जी फाइव शॉट्स ऑन टारगेट थे जीरो चांस क्रिएटेड बाय रोमा so दैट इज समथिंग सैड एक अलग से फिर से एक टूर्नामेंट है जहाँ पे जो से आउट हो गए हैं तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फॉर रोमा बट दन अगेन लाजियो को मोरिजियो सॉरी को ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन बिग विन एंड इज दैट इज दैट बट लास्टली क्रूज को क्यों बू किया गया अलॉट ऑफ पीपल वुड वॉन्ट टू नो कि भाई उस मैच में क्रूज को बू क्यों कर रहे थे लोग सो एवरीथिंग स्टार्टेड विन क्रूज कोटेड द ह्यूमन राइट्स वायोलेशन वाला फॉर सऊदी अरेबिया जब उनसे पूछा गया कि भाई आप सऊदी जाओगे नहीं जाओगे तो बंदे ने कहा भाई मैं क्यों जाऊँगा गुड ओवर हे एट रियाल एंड प्लेयर्स वहाँ क्यों जाते हैं इट्स ओली बिकॉज ऑफ मनी और फिर उन्होंने कॉमेंट किया था गैबरी वेगा के पोस्ट पर एम्बारसिंग सो बस उसी को याद रखते हुए यहां पर जो सऊदी के जो ये फैंस थे अल नसर के स्टडियम पर एक्चुअली मैच हो रहा था दे स्टार्ट टू बू हिम बिकॉज दे वॉन्टेड रिस्पेक्ट तो लोग यही चीज़ कह रहे हैं कि यार अगर क्रूज ने हमें रिस्पेक्ट किया होता तो हम उसको भी रिस्पेक्ट करते बट I feel it is very embarrassing, shameful for the fans to boo a player like Cruz. मतलब दिल को चुभा यार, literally चुभा कि Cruz जैसे player को आप boo कर रहे हो. What he said was just his opinion. अगर मुझे भी कोई भी point blank रख दे और मुझसे ये चीज़ पूछ दे तो मैं भी तो ये कहूँगा ना. तो it is just my opinion and Cruz uh, should have been dealt with better. और यहाँ पे again भाई वहाँ पे जो स्टेडियम में एक मिनट का साइलेंस दिया गया था फॉर दी डि ऑफ फ्रांस बकन बावर उसमें भी भाई वहां पे सऊदी के फैंस जो थे स्टेडियम में दे वो विस्लिंग बुविंग तार वो भी अच्छा नहीं लगा यार तो आई रियल वॉन्ट गेट टू दी एंड ऑफ इट मुझे देखना है भाई सीन एक्चुअली क्या है पूरी नॉलेज नहीं मुझे इस बारे में बट आई जस्ट सॉ दिस पर्टिकुलर क्लिप तो मैंने आपसे बात करने की कोशिश की रिगार्डिंग दैट सो गैस दैट वॉज दैट बाकी आज अब गेम देखते हैं लेट्स सी विल हैपन एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन दी कॉमेंट सेक्शन एंड आल सी यू गैट वेरी सुन टेक केयर एंड पीस आउट